हेलो बच्चों कैसे हो आप आज हम मैक्स का जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है जिसका नाम मल्टीप्लिकेशन है ये हम करने वाले हैं ठीक है थीके? इस चैप्टर को मैं आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसके लिए आप अच्छे से देखना लेकिन ये चैप्टर बच्चों हम दो पार्ट में करेंगे पहला पार्ट ये जो हम कर रहे हैं दूसरा पार्ट आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन अगर वहां नहीं रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हो ओके लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिया अगर आप नहीं देखे तो देख लो और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक और प्ले लिस्ट का लिंक दिया है जो क्लास थ्री का लिंक है प्ले का उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको तीसरे क्लास के सारे वीडियोज मिल जाएंगे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अभी देखो यहां पे आपको क्या दिया गया है क्या है देखो द चिल्ड्रन मेड अ बंच ऑफ फ्लावर्स टू गिव टू ताई ऑन टीचर्स डे क्या बोल रहे हैं कि जो सारे बच्चे लोग हैं ना इन्होंने कुछ फूलों का गुच्छा बनाया जो ये अपने ताई को देने वाले थे ठीक है टीचर्स डे पे ओके तो फ्लावर मतलब बच्चों क्या होता है फ्लावर मतलब होता है फूल ओके देखो ये फूल है ना इसको बोल रहे हैं आगे क्या देखो टोनी सोनू सलमा जॉन एंड नंदू ईच ब्रॉड टू फ्लावर्स एंड सोनू टाइट देम टूगेदर क्या बोल रहे हैं कि ये जो टोनी है सोनू और ये सलमा जॉन और नंदू जो ये सारे लोग थे इन्होंने दो दो फूल लेकर आए अपने साथ और दो दो फूल को साथ में बांध दिया ओके आगे क्या है ताई अब देखो ताई क्या बोल रही है बहन क्या बोल रही है लवली वॉट अ बिग बंच ऑफ फ्लावर्स एंड सो प्रिटी मतलब बच्चों की ताई ने क्या बोला कि बहुत ही अच्छा है ये कितने सारे फ्लावर्स है और कितने सुंदर ये दिख रहे हैं हाउ मेनी फ्लावर्स आर देर इन ऑल टूगेदर अब देखो ताई ने क्या पूछा बच्चों को सवाल कि तुम सारे जन के पास जितने भी फ्लावर्स है जितने भी फूल है सबके मिलाकर कितने अब क्या बोल रहा है टू फ्लावर्स टेन फ्लावर्स अब देखो टोनी क्या बोल रहा है कि दो फूल हर एक के पास है इसका मतलब क्या हुआ कि हम पांचों जन का मिला के दस होगा जॉन क्या बोल रहे हैं देखो अब जॉन क्या बोल रहे देखते हैं टू फ्लावर्स ईच फ्रॉम फाइव ऑफ of us means taking two five times and adding them together. देखो जॉन क्या बोल रहा है कि हाँ, हम पांचों के पास दो दो फ्लावर है मतलब कि हम दो को पांच बार जोड़ेंगे मतलब इसके पास दो है ये बच्चे के पास दो है इसके पास दो है इसके पास दो है इसके पास दो है, पास दो पास दो है और कितने बच्चे हैं देखो एक दो तीन चार पांच पांच बच्चे हैं हर के पास दो है तो हम देखो दो, दो पांच बार दो लिख देंगे एक दो एक दो इसके लिए फिर इसके लिए इसके लिए इसके लिए तो पांच बार दो लिख के उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें दस मिल जाएगा टेन मिल जाएगा तो वही बोला है कि अगर हमें जानना है सबके पास मिलाकर कितने फ्लावर्स हैं तो हम क्या कर सकते हैं दो को हम पांच बार ऐड करेंगे ठीक है आगे क्या देखो जॉन अब देखो जॉन क्या बोल रहा है टू फ्लावर्स ई सॉरी ये हो गया जॉन वाला हो गया हमारे ताई पे भी आते हैं ताई क्या बोलिए टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू इज रिटर्न एज टू इन फाइव

टू और फाइव का ठीक है आगे देखते क्या है अब आगे ताई क्या बोलिए नाउ हियर आर सम पिक्चर्स लेट अस काउंट द नंबर्स ऑफ फ्रूट्स इन देम अब ताई क्या बोलिए देखो कि देखो यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं और इसमें आ, कुछ फ्रूट्स है फल है जिनको हमें गिनना है कि कितने वो फल है ठीक है सबसे पहले देखो सोनू देखते सोनू क्या सबसे पहले क्या कर रही है सोनू क्या बोलिए देखो फोर लेमन्स इन ईच रो एंड टू सच रोज अब सोनू क्या बोल रही कि एक रो में चार लेमन आप काउंट करके देखो चार लेमन है ना देखो वन टू थ्री फोर मतलब कि एक रो में चार लेमन है तो दो रो में कितने होंगे तो इसके लिए देखो सोनू ने क्या किया ट्वाइस फोर इज एट लेम मतलब क्या सोनू बोल रही है कि चार जब दो बार आएगा तो मतलब आठ नींबू हो गए देखो चार नींबू है आपके पास चार नींबू और आगे कितने नींबू हो गए देखो ये चार नींबू देखो ये पांच छह सात आठ आठ नींबू है ना तो वही सोनू बोल रही है अब देखो आगे क्या है ट्वाइस फोर इज टेकिंग फोर टू टाइम्स एंड एडिंग देम अब देखो सोनू क्या बोल रही है कि ट्वाइस फोर लेना मतलब क्या होता है कि फोर को दो बार लेना और उनको एड करना देखो ये वाली लाइन में फोर है और ये वाली लाइन में फोर है तो फोर प्लस फोर तो हमें क्या मिलता है आंसर एट तो वही यहां पे सोनू बोल रही आगे देखते हैं अब देखो सलमा सलमा क्या बोल रही है देखो सलमा बोल रही है कि अब देखो उसको तस्वीर मिली है सलमा को अब इसको सलमा को पता लगाना है कि कितने यहां पे है देखो सलमा क्या बोल रही है फोर गवास इन अ रो अब देखो सलमा बोली कि एक रो में कितने गवाबा है देखो वन टू थ्री फोर सलमा बोलिए एक रो में चार गवाह है एंड थ्री सच रोज और सलमा क्या बोलिए और ऐसे तीन रो हैं एक रो में चार गवाबा है और हमारे पास रो कितने है? देखो एक दो तीन रो है ओके और अब सलमा क्या बोल रही है सच रोज इज इज टाइम्स अब सलमा क्या बोल रही है कि एक रो में चार गवाबा है इसका मतलब हुआ कि चार को हमें तीन बार लेना है तो हमें कितने मिलेंगे गए ट्वेल्व देखो पहले रो में चार गवाव है तो हम यहां पे कहां पे लिखते हैं जहां पे जगह है ये देखो यहां पे लिखते हैं फोर लिख देते हैं ये पहली लाइन का हो गया प्लस का सैन डालते हैं दूसरे लाइन में भी देखो चार है तो वापिस चार लिख देते हैं तीसरे लाइन में भी चार है तो प्लस वापिस चार लिख देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा देखो फोर प्लस फोर एट होता है ये हमें पता है हमने अभी काउंट किया था ना फोर प्लस फोर एट होता है अब एट में और फोर जोड़ दो देखो एट के बाद क्या था नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो हमें ट्वेल्व ट्वेल्व मिलता है इसका मतलब क्या हुआ ये तीन लाइन को मिला के ट्वेल्व गवा हुआ है ओके अब आगे चलते हैं अब देखो यहां पर टोनी क्या बोल रहा है देखो टोनी क्या बोले? बोल रहा है कि एक रो में, कि एक एक रो रो में में चार खीरे हैं आप गिनकर देखो देखो कितने वन टू थ्री फोर फोर है और क्या और टोनी क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने रो है टोटल चार रो है देखो एक दो तीन चार देखो जो हम इसे रो बोलते हैं ऐसे जो रहते हैं ना इसको हम रो बोलते हैं तो देखो कितने रो है एक दो तीन चार चार रो है ओके अब देखो और टोनी क्या बोल रहे चार बार चार रो है मतलब कितने हो गए सोलह कोकुम्बर्स सोलह खीरे ठीक है कोकुंबर्स मतलब खीरा होता है अब देखो बच्चों हमें ये जानना है कितने खीरे हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं देखो पहली लाइन के लिए हम पहले यहां पे लिख देते हैं फोर प्लस का साइन डालते हैं फिर ये दूसरी लाइन के लिए हम वापस फोर लिख देते हैं तीसरी लाइन के लिए प्लस फोर वापस लिख देते हैं चौथी लाइन के लिए प्लस फोर वापस लिख देते हैं या तो इसका दूसरा तरीका क्या लिखने का है देखो तो चार बार चार है ना तो हम कैसे कर सकते हैं फोर इन टू फोर भी कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं अगर सेम नंबर रहे ना तो जितनी बार वो नंबर रहे उस नंबर को लिख के उसे मल्टीप्लाई कर देने का ठीक है ले, लेकिन अगर अलग नंबर रहेगा ना यहाँ पर फोर यहाँ पर थ्री यहाँ पर तो नहीं हम कर सकते हैं अगर सेम रहेगा तो ही देखो तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा सिक्सटीन ठीक है देखो फोर प्लस फोर एट होता है हमने देखा था ठीक है उसमें प्लस फोर वापिस हमने जोड़ा ये वाले में तो ट्वेल्व हुआ था ट्वेल्व में आप वापिस फोर जोड़ दो कितना हो जाएगा ट्वेल्व के बाद क्या आता है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो अभी वही हमें यहां पे मिला है ओके अब देखो अब आते हैं जॉन वाले पे जॉन को तो बहुत बड़ा ये देखो कितने सारे मिल गए जॉन को अब ऐड करना बहुत मुश्किल होगा देखते हैं कैसे जॉन करेगा फोर मैंगोज अ रो टेन सच रोज जोन क्या बोल रहे कि एक रो में कितने मैंगो कितने आम है? देखो, one, two, three, four. Four आम देखो एक रो में और John क्या बोल रहे ऐसे दस रो है देखो कितने रो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे दस रो है ठीक है अब देखो अब जोन क्या बोले टेन टाइम्स फोर और फोर्टी मैंगोज अब जोन क्या बोले कि ये जो फोर है ना उसको दस बार लिखा गया है मतलब हर लाइन में फोर है तो फोर दस बार है या तो आप चालीस मैंगो देखो बच्चों अगर आपको ये जानना है ना एक एक लाइन में कितने चार मैंगो है ठीक है तो आप यहाँ पे फोर लिखो और कितने कितनी ये रो कितने हैं दस है हमें पता तो इन टू कर दो इक्वल टू का साइन डालो अब देखो इसमें आपको क्या करना रहता है मान लो ये जो फोर है ना ये फोर ये लिख दो आप और उसके बाद ये जो ज़ीरो है वो लिख दो आप अगर आपको टेन से कभी भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए है ना तो आप ऐसे कर सकते हो यहाँ जो भी नंबर रहेगा वो लिख दो और ये ज़ीरो डाल दो ठीक है ऐसे कर सकते हो आप सिंपल तरीका या तो अगर आपको टेबल याद होगा अच्छे से तो टेबल आप पढ़ सकते हो फोर टेन क्या होता है फोर्टी होता है ओके और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा बच्चों मल्टीप्लीकेशन अगर आपको करना है ना तो टेबल लर्न रहना जरूरी है उसके बिना नहीं हो पाएगा ओके तो पहले वो आप लर्न कर लेना चलो अभी आगे बढ़ते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया ना आगे हम देखते हैं आगे, आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा देखो क्या है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अब यहाँ पे हमारा मल्टीप्लीकेशन शुरू हो रहा है देखो टोनी टोनी के पास कितने बॉल है देखो वन टू थ्री तीन बॉल है तीन गेंद है सोनू के पास कितनी गेंद देखो वन टू थ्री इसके पास भी तीन है नंदू नंदू के पास कितनी गेंद देखो वन टू थ्री इसके पास भी थ्री है सलमा के पास कितनी है वन टू थ्री सबके पास थ्री थ्री गेंद है थ्री थ्री बॉल सबके पास है अब देखो क्या है इफ ईच ऑफ देम हैज थ्री बॉल्स हाउ मेनी बॉल्स ऑल टूगेदर अब देखो यहाँ आप पे क्या बोल रहे हैं कि अगर इन लोगों के पास सबके पास तीन तीन बॉल है तीन तीन, तीन गेंद है तो सबके मिलाकर कितनी होगी तो हम कैसे लिख सकते हैं एक तरीका हमारा हो सकता है थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री कर सकते हैं ठीक है देखो ऐसे इसके पास तीन है तो तीन यहाँ पे प्लस का साइन डालो इसका तीन लिख दो प्लस का साइन डालो इसका तीन लिख दो यहाँ पे प्लस का साइन डाल के इसका तीन लिख दो ओके तो हमें क्या मिल जाएगा जब आप तीन को चार बार जोड़ोगे तो हमारा आंसर आएगा ट्वेल्व ओके अब देखो ना थ्री में थ्री को जोड़ो तीन लिए निकालो थ्री के बाद क्या था फोर फाइव सिक्स उसके बाद वापिस एक और थ्री जोड़ो क्या आ जाएगा के बाद एट नाइन उसके बाद आखिरी वाला थ्री जोड़ दो क्या आ जाएगा टेन इलेवन मिला ना तो यहाँ पे बोला है आगे देखो क्या है एन एडिशन ऑफ थ्री टेकन फोर टाइम्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि थ्री को चार बार जोड़ा गया है देखो एक दो तीन चार चार बार जोड़ा गया है वो हमें पता है इस फोर टाइम्स थ्री अब देखो आगे आपको क्या है दैट इज फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज इक्वल टू टोर थ्री ट्वेल्व क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब फोर को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे हमें ट्वेल्व मिलेगा ये टेबल भी है बच्चों फोर देखो तो तो यहाँ पे फोर थ्री जर टे ना फोर वन जार फोर फोर टू जार एट फोर थ्री जर ट्व वही है, है पे. तो यहाँ पे देखो यहां पे टेबल का आपको दिया फोर थ्री जर ट्व ठीक है अब आगे देखोगे इन द सेम वे फिल इन द बॉक्सेज इन द एग्जाम्पल बिलो क्या बोले इसी तरीके से जो नीचे आपको बॉक्सेस दिए गए हैं उदाहरण के तौर पर उसको भरो ठीक है यहां पे देखो क्या है इस टोकरी में आम दिया हुआ है आपको तीनों टोकरी में देखते हैं हमें क्या बताया गया इसके बारे में सिक्स मैंगोज इन ईच बास्केट क्या बोल रहे हैं कि हर एक टोकरी में छह आम है ठीक है हाउ मेनी मैंगोज इन थ्री बास्केट क्या आपको बोल रहे हैं तो तीन टोकरी में मिलाकर कितने आम हुए अगर एक टोकरी में छे है तो ये तीनों टोकरी का मिलाकर कितना होगा आपको देखो क्या करना है सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स मतलब हम क्या करेंगे इसका छह लेंगे प्लस का सेवेंडा डालेंगे छह लेंगे प्लस का साइन डालेंगे तो तीनों को छह छह बार प्लस कर लेंगे तो देखो यहां पे आपको क्या है आपको सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स किया है मीन्स मतलब कि जब हम सिक्स को तीन बार जोड़ेंगे उसका मतलब क्या हुआ ये बॉक्स में क्या डैश टाइम सिक्स मतलब ये छह कितनी बार है देखो एक दो तीन तीन बार है ना तो आप यहां पे थ्री लिख दो कि थ्री टाइम सिक्स मतलब तीन बार छ हमें यहां पे दिया गया है इन अदर वर्ड्स सिक्स मल्टीप्लाईड बाय क्या आएगा हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं सिक्स मल्टीप्लाई बाई कितने देखो सिक्स हमने लिखा और कितनी बार सिक्स है वन टू थ्री थ्री बार है तो यहाँ पे हम थ्री लिख देंगे सिक्स मल्टीप्लाईड बाई थ्री कितना हो जाएगा? Six, three, क्या होता है एटीन होता है ठीक है बच्चों आप लिख सकते हो ओके okay? ये है हमारा आंसर आगे देखते क्या है अभी आगे, आगे आपको क्या दिया हुआ है चिल्ड्रेन आर स्टैंडिंग इन सेवन ग्रुप्स ऑफ थ्री चिल्ड्रन ईच क्या बोल रहे कि जो बच्चे लोग हैं ना वो सात ग्रुप में खड़े हैं और हर एक ग्रुप में तीन बच्चे हैं ठीक है हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर ऑल टूगेदर और क्या बोले कि पूरे बच्चे मिलाकर वहां पर कितने खड़े हैं एक ग्रुप में तीन बच्चे हैं और वैसे सात ग्रुप है तो अगर हमें यह जानना है तो हम हमें उसको मल्टीप्लाई या तो ऐड करना पड़ेगा देखो यहां पे क्या है यहां पे क्या आपको दिया है डैश टाइम्स थ्री अब देखो तीन बच्चे कितने ग्रुप में खड़े सेवन ग्रुप में मतलब आप लिख सकते हो सेवन टाइम्स थ्री और क्या है थ्री सेवन इज इक्वल टू क्या बोले कि तीन सेवन अगर रहेगा तो कितना होगा अगर तीन बार सेवन रहेगा तो देखो बच्चों तीन सेवन कितना होता है सेवन प्लस सेवन फोर्टीन होता है प्लस सेवन ट्वेंटी वन होता है ठीक है तो, तो यहाँ पे ट्वेंटी वन आएगा या तो यहां पे कैसे हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाइड बाई मतलब देखो तीन बच्चे हैं कितने ग्रुप में है सात ग्रुप में थ्री मल्टीप्लाइड बाई सेवन आएगा हमारा सेवन क्या हो जाएगा थ्री सेवन जैर क्या होता है बच्चों ट्वेंटी वन होता है तो मतलब वहाँ पे टोटल कितने बच्चे थे 21, 21 बच्चे थे, ओके? Okay? चलो आगे देखते हैं क्या 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 है? है? पे भी देखो आपको दिया गया बोल रहे कि इस तस्वीर को देखो और जैसे ऊपर आपको उदाहरण दिया गया एग्जाम्पल दिया गया है उसके जैसे एक और उदाहरण बनाओ एग्जाम्पल बनाओ तो देखो यहां पे अगर आप देखोगे आपको ये इसमें कुछ अब कुछ देखो लकड़ी जैसा दिया गया है कितनी है देखो एक इसमें कितनी लकड़ी है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन लकड़ियों का ये एक वो है बंडल है ठीक है वैसे कितनी है वन टू थ्री फोर चार लकड़ियों का बंडल है ठीक है एक में दस लकड़ी है तो अभी बोला है हमको इसके जैसे एग्जाम्पल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे देखो इस तरीके से हम बना सकते हैं पहले देखो यहां पे हमें जो दिया था ना तो इसको देख के हम कैसे बनाएंगे देखो एक में कितना है आपको एक में है दस दस डंडी है ये वाले में एक जो आपको यहाँ पे बंडल है तो हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे टोटल कितने है? चार बंडल है तो हम लिख सकते हैं फोर टाइम्स टेन मतलब कि जो एक दस का बंडल है वो चार बार है देखो एक दो तीन चार और हम क्या लिख सकते हैं फोर टेन्स इज इक्वल टू फोर्टी मतलब जब चार बार दस डंडी को जोड़ा जाएगा क्या मिलेगा हमें फोर्टी तो इसका मतलब क्या हुआ हम क्या कर सकते हैं टेन देखो एक में टेन है तो टेन लिखा और कितने तो क्या हो जाएगा हमारा ठीक है इस तरीके से आप लिख सकते हो अब आगे देखते क्या है वन नोटबुक कॉस्ट रूपीज फाइव क्या बोल रहे हैं एक नोटबुक की कीमत पांच रुपए है हाउ मच विल नाइन सच नोटबुक कॉस्ट क्या बोल रहे हैं तो ऐसी नौ किताबें नौ नोटबुक कितने में आएंगी एक की पांच रुपए कीमत है तो हम कैसे करेंगे एन एडिशन ऑफ फाइव टेकन नाइन टाइम्स मीन फाइव इंटू नाइन क्या बोल रहे हैं कि को हम नौ बार जोड़ेंगे तब हमें मिलेगा जो कीमत है वो मिलेगी तो हम क्या कर सकते हैं पांच को नौ बार हैं तो हम फाइव इंटू नाइन कर सकते हैं फाइव इंटू नाइन क्योंकि बच्चों देखो पांच जब एक किताब की एक नोटबुक की कीमत पांच रुपए है तो नौ नोटबुक जानने के लिए हमें पांच पांच रुपए करके नौ बार जोड़ने पड़ेंगे ना कितने होंगे तो उससे अच्छा हम फाइव मल्टीप्लाइड बाई नाइन कर सकते हो तो भी हमें कीमत मिल जाएगी देखो फाइव मल्टीप्लाइड बाई नाइन किया तो कितना हमें मिलेगा ठीक है पैतालीस मतलब क्या हुआ हैंस द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स इज रुपीज फोर्टी फाइव मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि नौ नोटबुक की कीमत है पैतालीस रुपए ठीक है आगे क्या देखो अभी ताई ताई क्या बोलिए देखो टेबल्स आर नथिंग बट सीरीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ताई बोल रही है कि जो टेबल होता है ना वो कुछ नहीं वो सीरीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है मतलब कि हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं वही एक टेबल बन जाता है एक के बाद एक मल्टीप्लाई करता है जैसे टू को वन से करेंगे तो टू वन जर वन टू वन हज़ार टू हो गया फिर टू को टू से करेंगे तो टू टू हजार फोर हो गया टू को थ्री से करेंगे टू थ्री हज़ार सिक्स हो गया मतलब देखो टू को वन से मल्टीप्लाई फिर टू से फिर थ्री से ऐसे करते जाते हैं सीरीज में एक के बाद एक तो वो बन जा बन जाता है टेबल लेटर ऑन वी शाल यूज टेबल्स टू कैरी आउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्जर नंबर क्या बोल रहे हैं कि बाद में क्या होगा हम टेबल का इस्तेमाल करके मल्टीप्लीकेशन करेंगे बड़े बड़े नंबर्स का ठीक है आगे क्या क्या है देखो चलो हम टू थ्री फोर और फाइव और टेन का टेबल चलो हम पढ़ते हैं सुनते हैं ठीक है देखो का टेबल आपको याद है तो आप बताओ बच्चों पढ़ के ठीक है आप अप अपनी मम्मी डैडी को सुनाओ वो सुनेंगे आपका हम आगे देखते हैं आगे क्या है? है मल्टीप्लाई करने बोला गया है ओके अब देखो पहले तस्वीर में आपको क्या है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब कि ये तस्वीर के रूप में दिया गया है हमें ठीक है एस एन एडिशन और जो तस्वीर में हमें दिया गया है ना ये ग्रुप में उसको यहाँ पे ऐड किया है देखो यहाँ पे क्या है हाउ मेनी टाइम्स मतलब कि ये यहाँ पे कितनी बार लिया गया है देखो टू कितनी बार लिखा गया है वो यहाँ पे दिया है देखो ऐड देखो पहले देखो आपको ये तस्वीर में कितने फूल है देखो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो इस तस्वीर में कितने फूल है देखो एक दो एक एक इसमें दो फूल है तो ऐसे कितने हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव है टोटल तो हम देखो इसमें दो है तो हम टू लिखेंगे इसके लिए टू फिर इसके लिए टू फिर इसके लिए टू इसके लिए टू और इसके लिए टू तो हमने के, एडिशन में कितनी बार लिखा पांच बार टू लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टू फाइव टाइम्स मतलब हमने दो को पांच बार लिखा है अब हम मल्टीप्लाई करने का टाइम कैसे करेंगे टू को कितनी बार लिखा है

तो इसका वाला फाइव हम लिखते हैं उसके बाद ये बॉक्स के लिए फाइव लिखते हैं तो हमने कितनी बार फाइव लिखा देखो वन टू तो हम कैसे लिख सकते हैं फाइव ट्वाइस मतलब कि पांच को दो बार लिया गया है तो हम कैसे लिख सकते हैं यहां पे हम क्या लिखेंगे टू कितने बार लिखे? लिया गया है? दो बार लिया गया ना पांच को दो टू मल्टीप्लाइड बाय क्या नंबर है हमारा फाइव है ना तो फाइव ओके okay? तो टू फाइव जर क्या होता है बच्चों टेन होता है ठीक है तो यहां पे टेन लिख दो अब चलो आगे देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है यहां पे देखो देखो ये क्रेन से कलर जो आप करते हो ना वो है कलर वाले क्रेयॉन्स है एक बॉक्स में कितने देखो क्रेयॉन है वन टू थ्री थ्री क्रेयॉन है ठीक है थीके? तो ऐसे कितने बॉक्स है देखो वन टू थ्री फोर फाइव बॉक्स है तो मतलब हमें थ्री को पांच बार लिखना है तो चलो हम थ्री को पांच बार ऐड करते हैं यहाँ पे वन थ्री फिर वापस प्लस थ्री वापिस थ्री वापिस थ्री वापिस थ्री, थ्री कितनी बार लिख दिया दे देखो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बार लिख दिया ना ये पांच बॉक्स थे और एक बॉक्स में तीन किरण थे तो तीन हमने पांच बार लिख दिया अब देखो यहाँ पे देखो क्या है थ्री कितने टाइम है फाइव टाइम्स मतलब थ्री पांच बार है तो हम यहाँ पे थ्री लिख देना है कि थ्री फाइव टाइम्स है अब देखो थ्री कितनी बार है फाइव टाइम्स है तो हम यहाँ पे फाइव लिखेंगे और ये जो थ्री है उसको यहाँ पे लिख देंगे तो फाइव थ्री जार क्या होता है बच्चों फिफ्टीन यहाँ पे आप फिफ्टीन लिख दो ओके okay? अब देखो यहाँ पे बिंदी है बिन, एक बॉक्स में कितनी बिंदी गिनो देखो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक बॉक्स में टेन बिंदी है तो ऐसे कितने बॉक्स है देखो वन टू थ्री तीन बॉक्स है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा टेन को हमको तीन बार लिखना है तो हम तीन बार लिखते हैं टेन प्लस टेन प्लस टेन तीन बार लिख दिया हमने अब देखो यहां पे आपको दिया है टेन कितनी बार है तीन बार है तो टेन थ्री टाइम्स तो हम कैसे लिख सकते हैं यहां पे देखो यहां पे आपको लिखना है क्या है कितनी बार है टेन है थ्री बार है ना तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई टेन यहाँ पे हम टेन लिख देंगे तो थ्री टेन से क्या होते हैं थर्टी ओके अब देखो अब हम यहां पर आते हैं यहां पे देखो ये गवाबा है कितने गवाव है टोटल देखो एक बॉक्स में वन टू थ्री फोर फोर गवा हुआ है ठीक है और वैसे कितने बॉक्स है गिनो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बॉक्स है एक बॉक्स में चार गवा हुआ है और वैसे छः बॉक्स है मतलब हमको चार को छः बार लिखना है तो छः बार लिखते हैं फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर कितनी बार हुआ देखो वन टू थ्री फोर प्लस फोर प्लस फोर कितनी बार हुआ देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टाइम्स हमने फोर को लिख दिया इसका मतलब क्या हुआ फोर सिक्स टाइम मतलब हमने चार को छः बार लिखा क्योंकि हमारा एक बॉक्स में चार गवाह थे और वैसे कितने बॉक्स से छः थे तो हमने चार को छः बार लिखा अब यहाँ पे हम याप लिख देते हैं क्या आ, देखो कितनी बार है सिक्स टाइम्स है तो यहाँ पे हम सिक्स लिख देते हैं और कितने गवाह हुआ है फोर तो यहाँ पे हम फोर लिख देते हैं तो क्या हुआ सिक्स फोर हजार क्या हो जाएगा आपका ट्वेंटी फोर यहाँ पे आप ट्वेंटी फोर लिख दो ठीक है अब देखो यहां पे आपके पास माचिस की तीली है अब देखो बच्चों यहां पे आपको क्या है लास्ट वाले में ये माचिस की तीली है एक इसमें कितने माचिस की तीली है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन है माचिस की तीली और ऐसे जो uh, माचिस की तीली का जो ये गुच्छा है कितना है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स गुच्छे है मतलब क्या हुआ बच्चों हमको टेन को सिक्स बार एड करना है तो हम सिक्स बार लिखते हैं देखो ये हो गया वन प्लस ये दूसरी बार हुआ प्लस तीसरी बार हुआ प्लस चौथी बार हुआ प्लस पांचवी बार हुआ आखिरी में प्लस ये छठी बार हो गया मतलब क्या हम लिखेंगे क्या है हमारा टेन है तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेन हम कैसे लिख देंगे टेन कितनी बार है टेन टाइम्स है तो हम लिख देंगे टेन सॉरी टेन टाइम्स नहीं है बच्चों सिक्स टाइम्स है हम लिख देना टेन सिक्स टाइम्स

आ, जो आ, आप बोल सकते हो मोती चलो हम इसको मोती मान लेते हैं तो यहाँ पे देखो छह मोती है टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह कितनी बार है एक बार है, एक बार है। तो सिक्स मल्टीप्लाइड तो जिसको हम कैसे बोलते हैं सिक्स वन जार्स हम टेबल नहीं बोलते हैं सिक्स वन जार सिक्स सिक्स टू जार ट्वेल्व सिक्स थ्री जार एटीन वही यहाँ पे दिया है देखो ये वही टेबल है अब देखो ये सिक्स का जो बॉक्स है कितनी बार है एक दो मतलब सिक्स कितनी बार है दो बार है दो बार है ना तो हम कैसे लिखेंगे सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू ट्वेल्व तो क्या इसको कैसे बोलेंगे सिक्स टू जार ट्वेल्व तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे वन टू थ्री बॉक्स है तो हम क्या लिखेंगे सिक्स कितनी बार है थ्राइज मतलब तीन बार है तो हम कैसे लिखेंगे सिक्स मल्टीप्लाइड बाई थ्री क्या हो जाएगा एटीन तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे सिक्स थ्री जार एटीन ओके चलो आगे देखते है क्या है आपको यहाँ पे सिक्स कितनी बार है वन टू थ्री फोर बार है तो मतलब सिक्स कितनी बार है फोर फोर टाइम्स ओके तो हम इसको कैसे लिखेंगे सिक्स फोर मतलब क्या जब आप आगे जाओगे तो हम कैसे लिखेंगे सिक्स फाइव टाइम्स मतलब छह का बॉक्स है पांच बार है तो हम कैसे लिखेंगे सिक्स मल्टीप्लाइड बाई कितनी बार बॉक्स है पांच बार है तो फाइव क्या हो जाएगा थर्टी मतलब सिक्स फाइव थर्टी ओके okay? चलो आगे देखते हैं अभी आ, क्या है आपको अब देखो यहाँ पे यहां तो आपको इसको कैसे पढ़ोगे सिक्स आर थर्टी सिक्स ओके अब देखो इसमें कितने जो बॉक्स है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बार है तो हम क्या लिखेंगे सिक्स कितनी बार है, है। तो सेवन तो six okay? टाइम्स तो, तो हम कैसे इसको लिख देंगे सिक्स कितनी बार है सेवन टाइम्स अब तो मल्टीप्लाइड बाई सेवन तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर फोर्टी टू तो हम कैसे लिख देंगे सिक्स सेवन सर फोर्टी टू तो देखो यहाँ पे सिक्स कितनी बार है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बार है तो हम कैसे लिखेंगे सिक्स एट टाइम्स तो हम कैसे लिखेंगे सिक्स मल्टीप्लाइड बाई कितने बार तो है एट बार है तो एट क्या आएगा आपका आंसर फोर्टी एट मतलब सिक्स एट जर फोर्टी एट उसके आगे देखो यहाँ पे सिक्स का बॉक्स कितनी बार है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कितना है सिक्स नाइन बार है तो हम क्या लिखेंगे सिक्स नाइन टाइम्स तो हम क्या करेंगे सिक्स मल्टीप्लाइड बाई कितनी बार है सिक्स नाइन बार है तो हम सिक्स मल्टीप्लाइड बाई नाइन क्या रहेगा फिफ्टी फोर इसका मतलब तो क्या हुआ सिक्स नाइन जैर फोर फिफ्टी फोर ओके अब देखो आखिरी में सिक्स के करीब कितने बॉक्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन बॉक्स है मतलब सिक्स टेन बार है तो हम क्या लिखेंगे सिक्स टेन टाइम्स तो सिक्स कितनी बार है सिक्स

चलो भी अगले पेज पे चलते हैं देखते हैं क्या है अभी देखो यहाँ पे आपको है मल्टीप्लीकेशन टेबल्स ऑफ सेवन एट एंड नाइन मतलब कि यहां पे हमको टेबल दिया गया है सेवन एट और नाइन का यहाँ पे आप देख सकते हो देखो ये सेवन का टेबल है ये एट का, का है और ये नाइन का है देखो यहाँ पे बोला है लेटेस्ट मेक द सेवन एट एंड नाइन टाइम्स टेबल्स लाइक द टाइम टेबल क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे सिक्स का टेबल नहीं लिखा था ये वाला वैसे ही अब हम सेवन एट और नाइन का टेबल लिखेंगे यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पे यहाँ पे टेबल आपको देखो दिया हुआ है सेवन वन जर क्या होता है सेवन सेवन टू जर क्या होता है फोर्टीन बच्चों आप टेबल अगर आपको लर्न नहीं है ना टेबल आप लर्न कर लो वन टू टेन पहले लर्न करो उसके बाद आगे आप एलेवन टू ट्वेंटी लर्न करना ठीक है तो देखो यहाँ पे अभी सेवन टू जार फोर्टीन होता है सेवन थ्री ज़र क्या होता है ट्वेंटी वन होता है सेवन फोर ज़र क्या होता है ट्वेंटी एट सेवन फाइव ज़र क्या होता है थर्टी फाइव ये टेबल है बच्चों सेवन मल्टीप्लाई करके हमें थर्टी फाइव मिला है टेबल इसको हम टेबल बोलते हैं ठीक है देखो आगे क्या सेवन सिक्स जर क्या होता है फोर्टी टू सेवन सेवन जर क्या होता है फोर्टी नाइन सेवन एट जर क्या होता है फिफ्टी सिक्स सेवन नाइन जर क्या होता है सिक्सटी थ्री सेवन टेन सेवेंटी ओके ये आपको सेवन का टेबल है तो आप ये भी लर्न कर लेना अभी एट का टेबल देखो क्या है एट वन हजार एट एट टू हजार सिक्सटीन एट थ्री हजार ट्वेंटी फोर एट फोर हजार थर्टी टू एट फाइव फोर्टी एट सिक्स फोर्टी एट एट सेवन ज़ार फिफ्टी सिक्स एट एट ज़र सिक्सटी फोर एट नाइन ज़र सेवेंटी टू एट टेन जर एटी ठीक है ऐसे टेबल रहते आप देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या नाइन वन जेर नाइन नाइन टू जर एटीन नाइन थ्री जैर ट्वेंटी सेवन नाइन फोर ज़र थर्टी सिक्स नाइन फाइव जैर फोर्टी फाइव नाइन सिक्स ज़र फिफ्टी फोर नाइन सेवन ज़र सिक्सटी थ्री नाइन एट ज़र सेवेंटी टू नाइन नाइन ज़र एटी वन नाइन टेन ठीक है तो ये आप लर्न कर लो सारे टेबल ओके यहाँ पे नाइन तक आपको दिया है आगे भी आप लर्न कर लो आप कहीं से लिख के आपकी बुक में अगर दिया है तो वहां से लिख लो अगर आपके टीचर ने दिया है या तो आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करो तो वहां पर भी आपको टेबल मिल जाएंगे ओके अभी चलो देखते हैं आगे यहाँ पे देखो आगे अगर पेज पे देखोगे आपको क्या दिया गया है मेकिंग अ मल्टीप्लीकेशन टेबल विद द हेल्प ऑफ एडिशन क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक मल्टीप्लीकेशन का जो एक टेबल हम बनाएंगे किससे एडिशन की हेल्प से ठीक है मतलब कि, दो को करके हम देखेंगे कि कैसे लिखते हैं देखो क्या, है? ताई, ताई क्या बोलिए हमें सिक्स का टेबल लिखना है हम क्या करेंगे सिक्स को दो हिस्सों में हम बांट देंगे देखो फोर प्लस टू मतलब चार में जब दो को जोड़ेंगे देखो चार है इसमें दो जोड़ो देखो दो और जोड़ देखो एक दो कितना हो गया देखो चार चार में ये दो मिलाओगे तो पांच छ हो गया ना तो ताई बोलिए कि छे को हम दो पार्ट में पहले बांट देंगे एक चार में और एक दो में देखो यहां पे है चार और दो में बांट दिया उसके बाद क्या करना है नाउ वी टेक द फोर एंड टू टाइम्स टेबल्स एंड ऐड देम टू गेट द दिक्स टाइम्स टेबल अब ताई क्या बोलिए जब हमने सिक्स को चार और दो में बांट दिया हम क्या करेंगे फोर और टू का टेबल लिखेंगे और उनको ऐड करके हम सिक्स सिक्स का टेबल बनाएंगे ठीक है तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल बनाया गया है देखो यहाँ पे पहले हमने फोर का टेबल लिखा है फिर उसके बाद टू का लिखा है फिर ये दोनों जो फोर और टू का टेबल है इसको एड करेंगे तो हमें जो सिक्स का टेबल है वो मिलेगा देखो कैसे है देखो पहले फोर का टेबल है फोर वन ज़र 4 फोर फोर टू जार एट फोर थ्री जेर ट्वेल्व फोर फोर फोर्टीन सॉरी सिक्सटी फोर फाइव जर ट्वेंटी फोर सिक्स ज़ार ट्वेंटी फोर फोर सेवन जेर ट्वेंटी एट फोर एट जर थर्टी टू फोर नाइन थर्टी सिक्स फोर टेन ज़र फोर्टी देखो टू का टेबल आपको क्या है टू हन टू 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 जर टू थ्री सिक्स टू फोर एट टू फाइव टू सिक्स टू नाइन एटीन टू टेंटर ट्वेंटी तो ये देखो पूरा टेबल है आपको ठीक है फोर और टू का अब क्या करना है हमें जो हमें फोर और टू के टेबल से मिले ना उन दोनों को हम ऐड करेंगे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सिक्स का टेबल का जो रहेगा वो मिलेगा देखो फोर प्लस टू क्या होता है यहाँ पे देखो फोर प्लस टू चार में दो, दो जोड़ोगे क्या होगा देखो दो उंगली निकालो चार को चार में ये दो दो जोड़ दो क्या आता है फोर के बाद फाइव सिक्स तो देखो सिक्स मिला तो सिक्स वंजार क्या होता है सिक्स होता है पहला मिल गया अब देखो अभी अब जो पहला टेबल हमने कर दिया अब देखो जो फोर का टेबल फोर टू जेर एट और टू टू जेर फोर होता है इन दोनों को जोड़ते हैं देखो एट प्लस फोर एट में फोर जोड़ोगे क्या होगा चार उंगलिया निकालो इसको एट में जोड़ो एट के बाद क्या आता है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व होता है तो देखो सिक्स टू हज़ार क्या होगा ट्वेल्व उसी तरीके से ट्वेल्व और सिक्स को जोड़ो फोर थ्री हज़ार ट्वेल्व होता है और टू थ्री हजार सिक्स होता है इन दोनों को जोड़ो ट्वेल्व प्लस सिक्स क्या होगा चिंग निकालो अब इसको ट्वेल्व में जोड़ो ट्वेल्व के बाद क्या आता है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन हो रहा है तो देखो यहाँ पे हो जाएगा ट्वेल्व प्लस सिक्स क्या है एटीन मतलब सिक्स थ्री होता है एटीन उसी तरीके से देखो फोर फोर क्या होता है सिक्सटीन और टू फोर क्या होता है एट तो प्लस एट क्या होगा देखो सिक्सटीन प्लस एट क्या होता है बच्चों ट्वेंटी फोर देखो यहां पे ट्वेंटी फोर है तो सिक्स फोर क्या होता है ट्वेंटी फोर उसी तरीके से देखो यहां है फोर फाइव ट्वेंटी है और टू फाइव टेन है ट्वेंटी प्लस टेन क्या होता है बीस रुपए है आपके पास और दस रुपए और मिल गए तो कितने रुपए हो गए तीस रुपए हो गए ना तो थर्टी होता है तो देखो यही है सिक्स फाइव क्या होता है थर्टी ओके अब देखो यहाँ पे क्या है फोर सिक्सर क्या है ट्वेंटी फोर है

तो एट प्लस फोर्टीन क्या होता है देखो 28 एट प्लस फोर्टीन तो देखो पहले 8 और 4 को जोड़ते हैं 8 प्लस फोर क्या होता है देखो 8 में 4 जोड़ो 8 क्या होता है नाइन टेन 11, 12, 12 होता है 8 प्लस फोर तो देखो यहां पे टू आ गया और वन कैरी ओवर यहाँ पे चला गया और टू प्लस वन क्या होता है थ्री होता है और ये 1 कैरी ओवर जाएगा फोर तो क्या हो गया फोर्टी मतलब हमें क्या मिल गया सिक्स सेवन जार मिल गया ओके अब देखो यहाँ पे क्या है अब फोर एट क्या है थर्टी

ओके okay? अब देखो यहां पे क्या है फोर नाइन जीरो सिक्स और टू नाइन जीरो प्लस एटीन क्या होता है पहले देखो ये सिक्स और ये एट को जोड़ो क्या होता है सिक्स प्लस एट क्या होता है अब जोड़ के देखो एट उंगलियां निकालो आपकी ये पांच और ये छह सात आठ आठ उंगलियां निकाले अब इसको सिक्स में जोड़ो सिक्स के बाद क्या होता है सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन होता है ना फोर्टीन का जो यूनिट का नंबर है फोर यहां पे और वन कैरी ओवर यहां ओके okay? अब देखो यहां पे क्या थ्री है? है यहां पे वन है तो थ्री प्लस वन क्या होगा प्लस वन होगा फोर और उसमें अगर आप वन और जोड़ तो क्या हो जाएगा फाइव तो देखो यहां पे फिफ्टी फोर है तो मतलब हमारा क्या होगा सिक्स नाइन जेरो प्लस ट्वेंटी क्या होगा हो देखो पहले हम जीरो प्लस जीरो करेंगे जीरो प्लस जीरो जीरो ही रहेगा फिर फोर प्लस टू क्या होगा चार में 2 मिला हो तो दो मिलाओगे तो देखो चार में दो मिलाओ चार के बाद क्या होता है पांच छे 6 होता है है तो 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 पे हो हो गया तो मतलब 6 हो 60, okay? तो हो गया मतलब क्या होगा ओके ये हमारा टेबल 6 का टेबल का हमने हमने किया है? 6 को पहले दो हिस्सों में बांट दिया है उसको जोड़ के हमने 6 का टेबल बनाया, okay? अब देखो आगे टोनी क्या बोल रहा है जस्ट एस वी कैन मेक दिक्स टाइम्स टेबल यूजिंग द्स एंड वन टू देखो अब टोनी बोल रहे है कि जैसे हमने सिक्स का टेबल बनाया है फोर और टू का इस्तेमाल करके वैसे हम फाइव और वन का इस्तेमाल करके भी सिक्स का टेबल बना सकते हैं ऐसा वो सोनू बोल रहा है क्योंकि देखो फाइव प्लस वन क्या होता है पांच में एक जोड़ोगे छे होता है ना तो टोनी बोले जैसे चार और दो मिलाकर के होता है हमने चार और दो का टेबल लिख के हमने सिक्स का टेबल लिखा वैसे ही फाइव और वन को मिला के भी छे होता है मतलब हम फाइव और वन का टेबल लिख के उनको जोड़ के सिक्स का टेबल बना सकते हैं हाँ ये होता है ठीक है दैट्स राइट वी कैन मेक अ न्यू टेबल यूजिंग टू टेबल्स दैट वी ऑलरेडी नो ई क्या, right. ताई क्या हाँ हम नया टेबल बना सकते हैं दो नंबरों को जोड़ के जो हम पहले से जानते हैं खाली उन नंबर्स को जब जोड़ोगे ना तो जिसका आप टेबल बना रहे हो उसका वो आना चाहिए उसका जो फाइनल आंसर रहेगा ओके देखो टोनी क्या बोल रहे हैं सो वी कैन मेक द सेवन टाइम्स टेबल्स विद द हेल्प ऑफ द फोर एंड थ्री टाइम्स टेबल देखो अब टोनी तो क्या बोल रहा है कि हम जो सेवन का टेबल है वो हम फोर और थ्री का इस्तेमाल करके बना सकते हैं तो बना सकते हैं ना क्योंकि देखो फोर है और इसमें थ्री जोड़ो फोर के बाद क्या आता है देखो तीन उंगली निकालो फोर में ये तीन उंगली जोड़ो फोर के बाद क्या आता है फाइव सिक्स सेवन फोर प्लस थ्री सेवन होता है तो इसलिए हम फोर और थ्री का टेबल का इस्तेमाल करके हम सेवन का टेबल लिख सकते हैं पहले क्या करना है इसी तरीके से फोर का टेबल लिखना है और थ्री का लिखना है उसके बाद उन दोनों को जोड़ के हमें सेवन का टेबल मिलेगा ठीक है आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझा होगा ये अभी देखो अब यहाँ पे हमारा पार्ट वन कंप्लीट हो गया है अभी अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ से कराऊंगा जो रहेगा हमारा पार्ट टू तो आप ये वीडियो जरूर देखना उससे पहले आप ये वीडियो जो मैंने अभी कराया उसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू